एक बार फिर गरजा सूर्य कुमार यादव का बल्ला और सूर्य कुमार यादव ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को निस्तो नाबूद कर दिया। उसके साथ केएल राहुल ने कप्तानी पारी खेली, महज 35 गेंदों पे 50 रन जड़े। वहीं पे शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शानदार शतक लगाए। दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने वापसी करते हुए शेर की तरह दहाड़ दी। आगे बढ़ने से पहले आप भी अगर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को महान खिलाड़ी समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पैट कमिंस की जगह आज स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे थे, वहीं जसप्रीत बुमराह को दूसरे वनडे में रेस्ट दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हुए थे। भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई और भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के रूप में सलामी जोड़ी क्रीज पर आई। दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी पिछले मैच में मोहाली में कमाल करके दिखाई थी। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में स्पेंसर जॉनसन की पहले ही गेंद पर चौका लगा करके ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना मनसूबा साफ कर दिया था। पहले ओवर में 13 रन बटोरे। दोस्तों आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ ने दो चौके लगाए। दूसरे छोर से जो सेचर बूट की गेंदबाजी, पहले ओवर में रन लीक करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की कसी हुई गेंदबाजी अगले दो ओवर में खर्च किए, मात्र 2 रन। गायकवाड़ 8 तो गिल 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। पिछले दो ओवर की कसी हुई गेंदबाजी करने का फायदा ऑस्ट्रेलिया को चौथे ओवर में मिला। हेजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। गायकवाड़ ने बनाए 8 रन। दोस्तों आपको बता दें पांचवा ओवर लेकर आए स्पेंसर श्रेयस अय्यर ने आड़े हाथों लिया। अय्यर ने दूसरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से तो दूसरा चौका मिड विकेट के दिशा में लगाया। दोस्तों आपको बता दें कि गजब के लय में दिख रहे श्रेयस अय्यर ने छठा ओवर लेकर के आए जो सेजन बूट का भी उन्होंने चौके से स्वागत किया। अय्यर 7 गेंदों पर 3 चौके लगा चुके थे और इसके साथ ही चौकों की बरसात करते हुए अय्यर ने हेजलवुड के छठे ओवर की 5वीं गेंद पर फिर उन्होंने सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। अय्यर ने 12 गेंदों पर 21 की निजी स्कोर पर पहुंच गए। दोस्तों आपको बता दें श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच अशतक की साझेदारी हो चुकी थी। सिर्फ 29 गेंदों पर 50 रन पूरे कर लिए थे। दोनों ही खिलाड़ी खतरनाक नजर आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल बढ़ा रहे थे। इंदौर में बारिश ज्यादा तेज हो गई जिसके कारण मैच को रोकना पड़ा। भारत ने 9.5 ओवर में 1 विकेट खोकर 79 रन बना लिया। इसके साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी दूसरा वनडे मैच में बारिश से रोकर स्टेडियम में बारिश रुक गई और जल्द ही मैच शुरू हुआ। इसके बाद ही भारतीय बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पर उतरी और एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाज करते हुए नजर आए। भारत ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। गिल 53-50 जड़ दिया। गिल 14 ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया। अय्यर अर्धशतक के नजदीक है, उन्होंने 44 रन जुटा लिए थे। दोस्तों आपको बता दें गिल के बाद अय्यर 53 ने भी 50 कंप्लीट कर ली। दोस्तों आपको बता दें उन्होंने 16 ओवर में 9 बॉल मिलने के बाद छक्का लगाया और 50 बना दिया। यह उनके वनडे करियर का 15वां अर्धशतक था और गिल 60 के निजी स्कोर पर दोनों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों एक तरफ से जहां पे शुभमन गिल छक्के चौके बरसा रहे थे वहीं पे श्रेयस अय्यर अपना कमबैक का खूब मजा ले रहे थे। अय्यर और गिल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर पत्तियां उधर रही थी। दोस्तों आपको बता दें भारत ने 20 ओवर में 150 का आंकड़ा पार कर लिया था। अय्यर 74 और गिल 69 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अय्यर और गिल शतक के करीब पहुंच गए थे। अय्यर 84 और गिल 79 रन बनाकर खेल रहे थे। अय्यर और गिल बखूबी कंगारू गेंदबाजी का सामना कर रहे थे। अय्यर 92 और गिल 90 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने शतक ठोक दिया। हाल ही में चोट से उबरने वाले अय्यर यह वनडे करियर की 3री सेंचुरी। उन्होंने 86 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्के की बदौलत 100 रन कंप्लीट कर लिया। 94 के निजी स्कोर पर शुभमन गिल है भारत का श्रेयस अय्यर के रूप में दूसरा झटका लगा। अय्यर को सीन अवार्ड ने 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना शिकार किया। अय्यर ने सिक्स मारने के चक्कर में स्क्वायर लेग पर दिशा मैथ्यू शॉट को कई थमा बैठे। उन्होंने 90 गेंदों पर 105 की पारी खेली। अय्यर ने अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के जड़े। अवार्ड ने इसी ओवर की 3री गेंद पर अय्यर को कट एंड बॉल का एम्पायर ने उसका रिव्यू किया और उसके बाद पाया गया कि जमीन पर जाके बॉल लग रहा था, इसके कारण नहीं दिया गया। दूसरे विकेट के लिए 200 रनों की साझेदारी कर गिल के 95 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए थे। शुभमन गिल ने सेंचुरी लगा दी। उन्होंने 92 गेंदों पर 100 रन पूरे किए। उन्होंने इस दौरान 6 चौके और 4 छक्के मारे। यह वनडे करियर की 6री सेंचुरी है। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल 9 रन बनाकर क्रीज पर है। आपको बता दें दोस्तों कि इसके साथ ही शुभमन गिल ने कई सारे इस साल अपने रिकॉर्ड नाम कर लिए हैं। शुभमन गिल ने लगातार अंतर पर शतक और शतक मार करके ऐसे ही नहीं विराट कोहली द किंग के बाद वो प्रिंस कहलाते हैं इंडियन। गिल शतक जड़ने के बाद आउट हो गए। उन्होंने ग्रीन के 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। गिल ने विकेट के पीछे कैरी को कह दिया। गिल ने 97 गेंदों पर सामना किया और 104 रन बनाए, 6 चौके और 4 छक्के लगाए। राहुल 18 और ईशान किशन 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। केएल राहुल अर्धशतक के नजदीक पहुंच गए थे। उन्होंने 22 गेंदों पर 28 रन बना लिए। ईशान किशन बखूबी साथ निभा रहे थे। ईशान किशन ने 14 गेंदों पर 23 रन बटोरे थे और इसके साथ ईशान किशन ने चौका जड़ करके टीम का स्कोर भारत का 4था विकेट ईशान किशन के रूप में गिरा। ईशान ने 18 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन की पारी खेली। वो 41वें ओवर में एडम जंपा का शिकार बने। उन्होंने उठाकर मारने की फिराक में विकेट कीपर कैरी के कह दे दिया। ईशान और राहुल ने 4थे विकेट के लिए 59 रन की पार्टनरशिप की थी। 45 और सूर्य कुमार यादव 2 रन के निजी स्कोर पर थे। दोस्तों आपको बता दें सूर्य कुमार यादव ने 44
40वें ओवर की 44वें ओवर में ग्रीन की खूब कुटाई की। उन्होंने शुरुआती के चार गेंदों पर लगातार चार छक्के जड़ करके इतिहास रच दिया था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो छह छक्के मारने में कामयाब हो जाएंगे। और आपको बता दें ग्रीन के इस ओवर में 26 रन बनाए। दोस्तों आपको बता दें पहले वनडे में नाबाद अर्धशतक जड़ने वाले केएल राहुल ने एक और 50 लगा दी है। उन्होंने 35 गेंदों पर 50 रन पूरे कर लिए। राहुल और सूर्या के बीच 40 रन से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। भारत ने पांचवा विकेट खो दिया। उन्होंने ग्रीन के 40वें ओवर के आखिरी गेंद पर बोल्ड किया। उन्होंने 38 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन जुटाए। सूर्य कुमार के यादव का बल्ला फिर गरजा। उन्होंने कंगारू के खिलाफ लगातार दूसरे अर्धशतक जमाया। सूर्या ने 24 गेंदों में 50 पूरी की। उन्होंने एबॉट द्वारा डाले गए 47वें ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगाए। सूर्या ने 58 और रविंदर जडेजा ने 1 रन बनाकर क्रीज भर दिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 400 रन का लक्ष्य दिया। ये सूर्य कुमार यादव 72, रविंदर जडेजा 13 रन बनाकर नाबाद रहे। एबॉट ने 50वें ओवर में महज 10 रन दिए। इसके कारण ही भारतीय टीम 399 रन ही बना सकी 5 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर खेलने के बाद। नहीं तो दोस्तों ऐसा लग रहा था एक वक्त पे कि 400-450 रन तो आसानी से बनता दिख रहा है। टीम इंडिया ने लगातार अंतराल पे चौके छक्के जड़ करके ऐसा इतिहास रच दिया कि सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर का तूफानी पारी के बलबूते 400 रन का टारगेट दिया टीम ऑस्ट्रेलिया। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए अपना दावेदारी बहुत बड़ा पेश कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दें। इस मैच में इंडिया ने कई सारे रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बनाया। दोस्तों आपको बता दें 399 पे 5 ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले उसने बेंगलुरु में सबसे बड़ा रन बनाया था। दोस्तों उससे पहले जयपुर में 362 रन बनाए थे। दोस्तों इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया। इससे पहले 385 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था, अब 399 का रिकॉर्ड हो गया। 400 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने शानदार शुरुआत किया। दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और मैथ्यू शॉट ओपनिंग करने के लिए, और ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर मैथ्यू शॉट ने लगातार 2 चौके लगा करके मोहम्मद शमी का पहले ही ओवर में 2 चौके लगा करके पहले ओवर में 9 रन बनाने में कामयाब रहे। दोस्तों आपको बात करें तो दूसरी ओवर करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले और दूसरे गेंद पर लगातार 2 विकेट लेकर के टीम ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे ढकेल दिया। पहले बॉल पे मैथ्यू शॉट को आउट किया, वहीं पे दूसरे बॉल पे एसटीपी स्मिथ को चलता गया। दोस्तों आपको बता दें कि एसटीपी स्मिथ को कैच लेकर के शुभमन गिल ने बॉल किया, वहीं पे पहले बॉल पे रविचंद्रन अश्विन ने कैच लिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिया। इसके साथ ही टीम ऑस्ट्रेलिया को पूरे बैकफुट पे धकेल दिया है। 6 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवाकर 40 रन बना लिए। फिलहाल मार्लन लबुसेन 12 रन और डेविड वार्नर 18 रन बनाकर क्रीज पर है। इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने मैथ्यू शॉट को 9 और स्टीव स्मिथ 0 लगातार 2 गेंदों पर 2 आउट किया था। दोस्तों आपको बता दें प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार वापसी कर भारत को विकेट दिलाई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे में बारिश ने एक बार फिर से खलल डाला है। यह दूसरा मौका है जब मैच को बारिश के कारण रोका गया। यह मैदान में कवर से पूरी तरह ढक दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने खेल रोके जाने के समय 9 ओवर में 2 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं।